हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाकुर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं जेई मेंस एडवांस एंड नीट के लिए। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टार इज रोटेटिंग इज स्पिन अबाउट इट्स वन एक्सिस सच दैट इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन इज 30 डे। इफ ड्यू टू हैव इंटरनल एक्सप्लोजन द स्टार स्टिक्स टू नेबुला स्टार ड्वार्फ स्टार such that initial radius 10^4 km, final radius 3 km, find new time period। अब यहाँ पे अपन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टार गिवन है, अब उस स्टार की रेडियस अपन को दे रखी है 10^4 km और वो स्टार क्या करता है, खुद की एक्सिस पे रोटेशन को कंप्लीट करता है, मतलब ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अब जो स्टार होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, तो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है और इसकी अपन को रेडियस दे रखी है 10^4 km और टाइम पीरियड दे रखा है 30 डे। एक स्टार है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, स्पिन कर रहा है। इनिशियल इसकी रेडियस अपन को दे रखी है 10^4 km और इसका टाइम पीरियड दे रखा है 30 डे, मतलब 30 डे में ये क्या कर रहा है, रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, इंटरनल एक्सप्लोजन होता है और इंटरनल एक्सप्लोजन होने के बाद में ये क्या बन जाता है, नेबुला स्टार यहाँ पे ये बन जाता है। तो उसकी अपन को रेडियस दे रखी है 3 किलोमीटर, नेबुला स्टार बन गया, ये भी क्या करेगा, अपनी एक्सिस पे रोटेशन को कंप्लीट करेगा। तो इसका अपन को टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जबकि अपन को इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर दे रखी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं पूरी प्रोसेस में, पहले ये स्टार था, फिर इसमें इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ और ये बन गया नेबुला स्टार। तो पूरी प्रोसेस में बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो उस टाइम एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है, आई होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो स्टेट है, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। इनिशियल स्टेट में ये सिर्फ स्टार था, फिर इसमें इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ और ये क्या बन गया, नेबुला स्टार बन गया। तो दोनों ही केस में यहाँ पे अपन इसके एंगुलर मोमेंटम को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, वो होता है 2/5 mr², जहाँ पे m होता है मास ऑफ स्फीयर एंड r होती है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे। अब ओमेगा की टर्म को अपन टाइम पीरियड में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, 2π/T। तो ओमेगा क्या होता है, 2π/T, टाइम पीरियड की टर्म में अपन इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पे अपन को क्या दे रखा है, टाइम पीरियड की फॉर्म यहां पे अपन को दे रखी है। तो यहाँ से अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म लिख दी 2π/5 mr², इनिशियल ले रहे तो अपन ने इनिशियल रेडियस को कंसीडर किया है। ओमेगा ले लिया अपन ने 2π/T, टी यहाँ पे है टाइम पीरियड, तो इनिशियल टाइम पीरियड को यहाँ पे अपन ने कंसीडर किया है। ऐसे ही अपन ने फाइनल वाली टर्म को भी यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे अपन देख रहे 2/5 m, 2/5 m दोनों में आ रहा है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π से 2π आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को मिलता है इनिशियल रेडियस का स्क्वायर अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड, यहाँ पे अपन को मिलता है फाइनल रेडियस का स्क्वायर अपॉन फाइनल टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अपन को सारी टर्म गिवन है, इनिशियल रेडियस गिवन है, इनिशियल टाइम पीरियड गिवन है एंड फाइनल रेडियस अपन को गिवन है। तो यहाँ से अपन कंपेयर करके फाइनल टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अपन सारी टर्म को लिखेंगे तो अपन को फाइनल टाइम पीरियड कितना मिलता है, 2.7 × 10⁻⁶ डे। तो जब ये नेबुला स्टार बन जाता है तो इसका ये अपन को टाइम पीरियड मिलता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया और ये यहाँ पे अप्लाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल एक्सप्लोजन, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है तब एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है। दोनों ही सिचुएशन को अपन ने लिया, वहां पे अपन ने एंगुलर मोमेंटम को इक्वल किया तो यहाँ पे अपन को फाइनल कंडीशन में इसका टाइम पीरियड ये मिलता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन ने दो डिस्क ले रखी है, इसको दे देते हैं डिस्क नंबर फर्स्ट और इसको दे देते हैं डिस्क नंबर सेकंड। डिस्क नंबर फर्स्ट है उसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 2 ओमेगा। डिस्क नंबर जो सेकंड है उसके अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2i और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो जो डिस्क सेकंड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है और जो डिस्क फर्स्ट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल है, लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दोनों डिस्क को आपस में मिला देंगे। तो जब अपन डिस्क को आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंबाइन सिस्टम बन जाएगा। तो इस कंबाइन सिस्टम के अपन को क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो अपन इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पे दोनों डिस्क क्या थी, अलग अलग थी, दोनों डिस्क अलग अलग रोटेट हो रही थी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके गिवन थे। फिर अपन ने क्या किया, दोनों डिस्क को आपस में मिला दिया तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गए। अब ये दोनों डिस्क क्या करेगी, एक कंबाइन वेलोसिटी से रोटेट होगी। जब अपन दोनों डिस्क को मिलाएंगे तो इनके बीच में क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। तो जो डिस्क स्लो है उसको क्या करेगा, फास्ट करेगा, और जो डिस्क फास्ट है उसकी स्पीड को ये क्या करेगा, स्लो करेगा। तो ये क्या करेगी, एक ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से क्या होगी, आपस में रोटेट होगी, साथ में रोटेट होगी कंबाइंड सिस्टम की। अब यहाँ पे अपन सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। तो पहले अपन को ये वाला सिस्टम था, फिर अपन को ये वाला सिस्टम मिलता है। यहाँ का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अपन डिस्क फर्स्ट का, ये अपन को मिलेगा आई इंटू टू ओमेगा। अब देखते हैं अपन डिस्क सेकंड का, तो ये है टू आई इंटू ओमेगा। फाइनल में क्या करते हैं, दोनों डिस्क को आपस में अपन मिला देते हैं, कंबाइंड सिस्टम बन जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, टू आई प्लस आई थ्री आई, और ये कंबाइंड वेलोसिटी ओमेगा डैश से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, टू आई ओमेगा प्लस टू आई ओमेगा फोर आई ओमेगा, और ये अपन को मिला इधर थ्री आई ओमेगा डैश। आई से आई कैंसिल, तो यहाँ से अपन को ओमेगा डैश की वैल्यू मिल जाएगी और ये अपन को मिलती है फोर बाई थ्री ओमेगा। तो यहाँ से अपन को न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिलती है, 4 अपॉन 3 ओमेगा या फिर 1.33 ओमेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जब अपन दोनों डिस्क को आपस में मिला देंगे तो इसके बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जिसकी स्पीड कम है उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और जिसकी स्पीड फास्ट है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये कंबाइन वेलोसिटी पे आके रुक जाएगी। तो यहाँ पे अपन को कंबाइन एंगुलर वेलोसिटी मिलती है 1.33 ओमेगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, पहले इसकी वेलोसिटी सिर्फ ओमेगा थी, इसकी स्पीड क्या हो गई, अप हो गई। अभी इसकी स्पीड अपन को कितनी मिली, 1.33 ओमेगा। जो सेकंड डिस्क थी उसकी अपन को एंगुलर स्पीड कितनी मिलती है, 2 ओमेगा। उसकी स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई, और ये कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी पे कहां पे रुकी, 1.33 ओमेगा पे। तो इस तरीके से यहां पे अपन ने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसको सॉल्व किया। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।